बात का फैसला कर चुके हैं कि हम एक एक पौधा लगा के उसको पूरा बड़ा करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध ऑक्सीजन शुद्ध वातावरण मिल सके और आने वाले ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हो सके, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मनुष्य को जीवन के लिए जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ही जीवन उसका अच्छा होगा। आज देखिए, हमने बच्चों को मोटिवेट किया है, उन्हें इतना प्रेरित किया है कि जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है उसका पालन पोषण करती है, इसी प्रकार से करने के लिए हम पौधारोपण कार्यक्रम सरकार इस वर्ष प्रत्येक वर्ष लाती है इस महीने में, क्योंकि हमारे देश में वृक्षों की बहुत कमी हो रही है, पेड़ों की बहुत कमी हो रही है और पेड़ जीवन की अमूल्य धरोहर है। बगैर पेड़ों के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये ऑक्सीजन देते हैं जो हम सांस लेने प्रयोग करते हैं, और जैसे जैसे पेड़ कटते चले जा रहे हैं बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती चली जा रही है। सबसे पहले तो तापमान बढ़ता है, वर्षा ऋतु में कमी हो रही है, हम देख रहे हैं बार बार आसमान के रफ्तार साफ देखते हैं वर्षा नहीं हो रही, लगातार तापमान बढ़ता चला जा रहा है। इस साल देखते हैं नागपुर का तापमान 56.7 था, हमारे यहाँ भी तापमान 50 के आसपास रहा, जिसके कारण से समय से पहले जून की छुट्टियाँ होगी थी। ये बढ़ते हुए तापमान का असर है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ जो 1952 की वन नीति है उसके अनुसार 63% और हमारे हरियाणा में केवल 3.8% पर मील है वन है, इसलिए हमें प्रण लेना है कि प्रत्येक बच्चा एक एक वृक्ष इस साल जरूर लगाएगा, एक पेड़ जरूर लगाएगा अपने खेत में, अपने प्लाट में, अपने आसपास परिवेश में या कोई तालाब के निकट, न केवल लगाएगा उसका पालन पोषण भी करेगा। कई बार हम पेड़ लगा देते हैं और पेड़ लगाने के उपरांत भूल जाते हैं, थोड़े दिनों के बाद वो पेड़ सूख जाता है। इस प्रकार से बच्चे के जन्म के बाद उसका पालन पोषण करना पड़ता है, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता उसी प्रकार से उस पेड़ का पालन पोषण भी करना होता है जब तक वो बड़ा नहीं होता। इसलिए न केवल पेड़ लगाना है, जब तक वो बड़ा ना हो जाए भूमि से अपने तत्व में लेना शुरू न कर दे तब तक आपको उसको खाद देनी है, उसको सिंचाई करनी है। इसी प्रकार हम पढ़ लेते हैं बार बार, एक बार फिर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जीवन में एक पेड़ तो जरूर इस साल लगाएंगे। धन्यवाद। पेड़ हमारे लिए बहुत अच्छे होता है, पेड़ के बिना हमारा जीवन संभव है। पेड़ हमें अधिक से अधिक कटना चाहिए, हमें पेड़ को काटना नहीं चाहिए, पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। दिस इज टू से पीपल, वी आर द ज्वेल ऑफ द अर्थ, टुगेदर वी प्लांट ट्री एंड मेक द एनवायरमेंट क्लीन। ऑनरेबल गेस्ट, टीचर्स, पेरेंट्स एंड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू टू प्रेजेंट इन द मीटिंग। आई एम गोइंग टू पुटिंग सम वर्ड ऑन द ट्री प्लांटेशन। ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ट्री आर ऑलवेज रेडी टू trees are always ready to alert, to protect us. Trees are very important in our life. Tree brings us rain, maintain ego balance. The importance of the tree is not explained in the words. चलो ठीक है जी, आते रहो। चलो अब बाद में दे दिया, ऐसे दे दो। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि अब की बार जो है सभी ऋतुएं बहुत ज्यादा थी, जैसे अगर बात करें सर्दी भी बहुत ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा है और अगर बरसात की करें वो भी आने वाले समय में बहुत ज्यादा होने वाली है। लेकिन सबसे अगर सभी चीजों का उपाय है, लेकिन एक गर्मी का उपाय बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, क्योंकि इसका कारण क्या होता है, गर्मी ज्यादा क्यों बढ़ती है, अगर पेड़ पौधे कटेंगे उससे ज्यादा गर्मी बढ़ती है, जिसके कारण से जो सरकार लगातार अभियान चला रही है, जब भी वर्षा ऋतु आती है उसमें अभियान चलाते हैं कि पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए और संदेश भी दिया जाता है। ऐसे में जो भी सरकारी अधिकारी वो भी इस प्रकार के जो कार्य करते रहते हैं, जो स्कूल है वो भी करते रहते हैं। आज नरवाणा के गांव बेलरखा का जनता हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर पहुंचे हैं,
जहाँ पर जो प्रीसी महोदय है और जो मैनेजर है, उन्होंने सभी ने बच्चों को मोटिवेट किया और पेड़ पौधे बांटे गए कि आपने पेड़ पौधे को लगाना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो स्वच्छ हो सके। हमारे साथ प्रिंसिपल महोदय मैनेजर साहब है, ये बच्चों के आप देख सकते हैं जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके हाथ में सभी के हाथ में जो है पेड़ पौधे दिए गए कि आप सभी ने पेड़ पौधे लगाने हैं और लगाना ही नहीं है, इनमें समय समय पर पानी भी डालना है ताकि ये बड़े हो सके। तो बात कर लेते हैं सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर जैसे गर्मी बहुत ज्यादा थी आपकी बार, हाँ जी, सर्दी भी बहुत ज्यादा थी, और ऋतु जैसे वर्षा की ऋतु वो भी बताई जा रही है, लेकिन हर चीज का हम उपाय कर लेते हैं, लेकिन एक गर्मी का उपाय है, लाइट चली जाती है और इनमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। सबसे ज्यादा जो कारण बताया जा रहा है कि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं बहुत ज्यादा, लगाने वाला कोई नहीं होता, सरकार मुहिम भी चलाती है, तो ऐसे में आपके स्कूल में ये मुहिम चलाई है कि पेड़ पौधे लगाए जाए, बच्चों को वितरित भी किए गए पेड़ पौधे, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम के बाद? हम यही कहना चाहेंगे, जैसे मौसम में परिवर्तन आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इसका कारण है पेड़ पौधों का कम होना। वर्षा ऋतु में भी पेड़ पौधे सहायक होते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्रत्येक बच्चे को सरकार जैसे हमारी मोटिवेट कर रही है, प्रत्येक बच्चे को एक पेड़ अपने जीवन में लगाना चाहिए। उसी कड़ी में हमने हमारे सभी स्टाफ के टीचरों ने अपनी कक्षाओं में सभी बच्चों को मोटिवेट किया और एक एक पौधा इनको लगाने के लिए उत्प्रेरित किया, और बच्चे सभी पेड़ पौधा ले भी गए हैं, पहले भी क्लास 1-2 के बच्चे लेके चले गए, ये भी लगाएंगे जाके, और ये सभी इस बात का फैसला कर चुके हैं कि हम एक एक पौधा लगा के उसको पूरा बड़ा करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वातावरण मिल सके और आने वाले ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हो सके, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मनुष्य को जीवन के लिए जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ही जीवन उसका अच्छा होगा। आजकल वातावरण में प्रदूषण बहुत फैल रहा है, लोग अपने पेड़ अपने खेतों के अपने घरों के अपने आसपास के पेड़ों को काट रहे हैं और ठंड प्राप्त करने के लिए पहाड़ों में पेड़ पौधों में जा रहे हैं, तो सभी को अपने घरों में अपने खेत में जहां भी खाली जगह हो प्रत्येक विद्यार्थी को और प्रत्येक मनुष्य को अपने पौधारोपण करना चाहिए और उसका लालन पालन भी करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, उसके शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, वातावरण साफ हो और सभी को उसका फायदा मिले। हमारे जीवन का अनमोल धन है कि हमारा शरीर है वो भी स्वच्छ हो, और अगर ये जो गर्मियां हैं, गर्मी के कारण बीमारियां बढ़ती है, तो इससे उन पर भी प्रभाव पड़ता है। देखिए पहले जो जमाना था पेड़ पौधों के नीचे, हमारे बुजुर्गों ने जमाना बिताया है, पेड़ पौधों की जो हवा मिलती है ना वो एसी में नहीं मिलती, इन्हें शुद्ध हवा मिलती है, एसी में हम रहते हैं वहां तो हमारी ऑक्सीजन बल्कि घटती है, पेड़ पौधों के नीचे बैठते हैं तो ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, और बुजुर्गों ने सारा समय इन्हीं पेड़ पौधों के नीचे गुजारा, पहले तो एसी नहीं थे, पंखे नहीं थे, बिजली भी नहीं थी, और एक हमने सुना है भाई एक पेड़ पौधा अच्छा लग रहा हो ना, 2-3 एसी जैसी बिल्कुल काम चला देता है, उसका टेम्परेचर जैसे उसके नीचे इसकी छाएं है जैसे इसके टेम्परेचर उसके टेम्परेचर में सर बहुत अंतर है, बहुत अंतर। आप पेड़ पौधे जहां ज्यादा लग रहे हैं वहां को निकलोगे आपको महसूस होगा, वहां को ठंडक मिलेगी, पेड़ पौधे ऑक्सीजन शुद्ध छोड़ते हैं, ठंडक पैदा होती है, वातावरण में साफ होता है, यदि वातावरण साफ होगा तो बारिश भी होगी, ये प्रदूषण ज्यादा फैल रही है इसलिए तो बारिश कम हो रही है, जहां पेड़ पौधे हैं आज भी वहां वर्षा समय पर होती है। ठीक है, तो हमारा बच्चों से और सभी से यही आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, बचाएं वातावरण को, बचाएं पर्यावरण को, शुद्ध रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी देखने वालों को हमारी तरफ से नमस्कार, और आपने हमारे को यहाँ समय दिया उसके लिए आपका भी धन्यवाद। जय हिंद। प्रदीप कुमार, स्कूल के प्रिंसिपल है प्रदीप कुमार जी, तो इनसे भी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं इसी विषय पर। सर नमस्कार। नमस्कार। बच्चों को मोटिवेट किया गया, एक संदेश भी दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इसके बारे में डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल अच्छी तरह से बता दिया। जब हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण साफ और स्वच्छ रहेगा, बीमारियां दूर होंगी, यही संदेश हमारे मैनेजर साहब ने दिया और यही राय मेरी। ठीक है जी। सर जैसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे पेड़ पौधे आपने दे दिए, लेकिन पेड़ पौधे देना आसान बात है, लेकिन उसको समय समय पर पानी देना, उनको बड़ा करना, ये भी तो जरूरी है सर। देखिए हमने बच्चों को मोटिवेट किया है, उन्हें इतना प्रेरित किया है कि जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है उसका पालन पोषण करती है, इसी प्रकार से बच्चे, इनसे कसम लिया है कि इसी प्रकार से इन पेड़ पौधों को जब तक ये भूमि से अपने खाद्य पदार्थ प्राप्त नहीं करना शुरू कर दें तब तक इनकी देखभाल अवश्य करेंगे। क्या नाम था सर आपका? सतपाल चौहान जी। ठीक है। तो भाई आपने देखा कि जो यहाँ के डायरेक्टर है और प्रिंसिपल महोदय, उन्होंने संदेश दिया है साफ तौर पर कि हमारा पर्यावरण कैसे स्वच्छ हो, और स्वच्छ पर्यावरण होगा तो हमारा शरीर है वो भी स्वस्थ होगा, क्योंकि बीमारियां बहुत फैलती है। तो इन बच्चों ने को मोटिवेट किया गया है, सभी के हाथ में पेड़ पौधे देख रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए भी ये संदेश है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए, ना ही लगाए उनको, पेड़ पौधों को समय समय पर पानी दे ताकि वो बड़े हो, और बड़े होकर शुद्ध हवा दे। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर कर लेना। धन्यवाद।